तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं आज तक स्मैकडाउन को शो और हमें ड्राफ्ट की नाइट वन भी देखने को मिली। उसके अलावा गाइस यहां पर ब्रॉक लेजनर भी थे। तो गाइस शो की मेन हाइलाइट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइस शो की शुरुआत में हमें रोमन रेंस पॉल हेमन देखने को मिलते हैं और रोमन रेंस यहाँ पर कहती है कि वो है नंबर वन और उन्होंने डेमन फिन बैलर को एक्सट्रीम रूल्स में हरा दिया है और अब तुम सब मुझे एक्नॉलेज कर सकते हो। जिसके बाद क्राउड रोमन रेंस के लिए चांट्स करता है और पॉल हेमन यहाँ पर कहते हैं कि डेमन फिन बैलर अब अनडिफीटेड नहीं है और रोमन रेंस ने उसकी स्ट्रीक को ब्रेक करा है और अब रोमन रेंस सुप्लेक्स सिटी को भी डिस्ट्रॉय करेगा, ब्रॉक लेजनर को भी डिस्ट्रॉय करेगा क्राउन जूल इवेंट में। और गाइस तभी यहाँ पर ब्रॉक लेजनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है, क्राउड काफ़ी लाउड चीयर करता है ब्रॉक के लिए और सीधा ब्रॉक लेजनर रिंग के अंदर आते हैं, रोमन रेंस के सामने खड़े हो जाते हैं। उसके बाद रोमन रेंस यहाँ पर अटैक करना शुरू करते हैं ब्रॉक लेजनर पर, लेकिन लेजनर फाइट बैक करते हुए यहाँ पर सुप्लेक्स लगाते हैं रोमन रेंस को। जिसके बाद यहाँ पर हमें उसोस देखने को मिलते हैं, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर सुप्लेक्स और F5 का स्वाद मिल जाता है और रोमन रेंस यहाँ से चले जाते हैं। और गाइस कुछ इस तरीके से स्मैकडाउन की धमाकेदार शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा गाइस हम नेक्स्ट मेन सेगमेंट की बात करते हैं जहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है रेटेड आर सुपरस्टार एज का, और यहाँ पर एज रिंग में आकर कहते हैं कि कैसे वो स्मैकडाउन में काफ़ी देर रह चुके हैं लेकिन अब उनकी बारी है रॉ में काम करने की। उसके बाद वो सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं सेथ रॉलिंस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम कहो तुम भी बाहर आओ। और तभी हमें बिग स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं सेथ रॉलिंस और हमें यहाँ पर गाइस देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस एज के घर के बाहर खड़े होते हैं। जिसके बाद वो एज के घर के अंदर जाते हैं और एज यहाँ पर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं, वो बैक स्टेज चले जाते हैं। लेकिन अगर हम सेथ रॉलिंस की बात करें तो वो यहाँ पर एज के बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, बैथ फिनिक्स को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पर काफ़ी अजीब सी हरकतें सेथ रॉलिंस कर रहे थे जो कि मुझे काफ़ी फनी लगी। और गाइस उसके बाद हमें एज भी देखने को मिले जो कि यहाँ पर बैथ फिनिक्स के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे कि ऐसे तुम अपने घर मत जाना क्योंकि वहाँ पर सेथ रॉलिंस आ चुका है। और गाइस कहना पड़ेगा कि आज इस सेगमेंट को देखकर काफ़ी मज़ा आया और WWE ने एक बार फिर से काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन बना दिया है एज एंड सेथ रॉलिंस के बीच। इसके अलावा गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट मेन सेगमेंट की जहाँ हमें ब्रॉक लेजनर बैकस्टेज देखने को मिले और यहाँ पर ब्रॉक लेजनर डिक्लेयर करते हैं कि वो अब एक फ्री एजेंट है, यानी कि वो ड्राफ्ट का पार्ट नहीं होंगे। और यहाँ पर ब्रॉक लेजनर कहते हैं कि जो ब्रॉक लेजनर करना चाहता है वो ब्रॉक लेजनर करेगा और मैं यहाँ पर स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ पॉल हेमन को क्योंकि उसी की वजह से मैं एक फ्री एजेंट बन पाया हूँ। उसके बाद हमें रोमन रेंस का सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर रोमन रेंस काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं पॉल हेमन पर और वो यहाँ पर पॉल हेमन से पूछते हैं क्या तुम ब्रॉक लेजनर के अच्छे दोस्त हो, क्या तुम अभी भी उसके साथ हो। लेकिन यहाँ पर पॉल हेमन की सिक्टिविटी गुल हो चुकी थी और बिल्कुल रोने वाली शक्ल पॉल हेमन ने बनाई थी। उसके बाद पॉल हेमन से रोमन रेंस कहते हैं कि तुम्हारे पास एक मौका है और वो मौका ये है कि तुम नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पर जाओगे और मेक श्योर करोगे कि मेरे भाई उसो स्मैकडाउन ब्रांड पर ही रहें। यानी कि यहाँ पर गाइस पॉल हेमन को वार्निंग मिल चुकी है रोमन रेंस की तरफ से, तो फिर गाइस देखते हैं क्या उस समय स्मैकडाउन पर देखने को मिलते हैं या फिर वो ड्राफ्ट होते हैं मंडे नाइट रॉ पर। इसके बाद गाइस सीधा बात करते हैं मेन इवेंट की जहाँ पर हमें बियांका बेलेयर एंड साशा बैंक्स के बीच काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिलता है जो कि रेसलमेनिया रीमैच था। और गाइस इस मैच की एंडिंग की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि बैकी लिंच यहाँ पर बियांका बेलेयर की चोटी पकड़ती हैं और इसका फ़ायदा उठाकर साशा बैंक्स रोल करती हैं और इस मैच में जीत हासिल कर लेती हैं। मैच खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि शार्लेट आकर साशा बैंक्स एंड बियांका बेलेयर पर अटैक करती हैं। उसके बाद वो रिंग में स्टैंड ऑल करती हैं और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर अनाउंसर टेबल के ऊपर देखने को मिलती हैं बैकी लिंच और इस तरीके से गाइस स्मैकडाउन का शो। तो गाइस ओवरऑल पूरे शो की बात करें तो आज का शो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, देखकर काफ़ी मज़ा आया और अब वेट करना चाहिए हमें ड्राफ्ट की नाइट 2 का जो कि हमें मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलेगी। और गाइस बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना और साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।